if you aspire to appear for gate navigate by anacademy is just for you it is the largest and the most competitive scholarship test for gate aspirants You aspire to appear for gate navigate by anacademy is just for you it is the largest and the most competitive scholarship test for gate aspirants good evening good evening good evening lucky soldiers how are, you? how are you good evening good evening good evening how are you कैसे हैं आप लोग आई होप यू पीपल आर डूंगेल टाइप इन चैट बॉक्स हाउ आर यू अल्लाह ओ नारो कैसे हैं आप लोग यस 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 आ जाओ रे बाबा आ जाओ रे बाबा आ जाओ रे बाबा माय फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स यस माय फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन रेट टेंसर की वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉटिसिटी अबाउट सर्कुलेशन ऑलसो तो बेटा आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल्स हैं जितने भी ग्रुप हैं हर ग्रुप में ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि बेहतरीन क्लास होने वाली है मैं चाहता हूं कि हर किसी को इस चीज का बेनिफिट मिले जब तक आप लिंक शेयर करते हैं तब तक मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं माई फ्रेंड माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी आई मैकेनिकल हेड एन अकेडमी ब्रांड GATE All India Rank 1 2019 20 Engineering census Paper All India Rank 1 Bank Note Paper Mill. I completed my Masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch and I'm teaching for GATE and ESC since 9 plus years till now. I have mentored more than 50,000 students in online, offline, and seminar mode. My friends, I was the.

इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कर सकते हैं और पैरेलली जो मेरा थर्मोडायनेमिक चल रहा है नाइट में 8:30 थर्टी टू इलेवन पी आप वो दो कोर्स को कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स पैरेलली तो यूज करेंगे रफल कोड नेगी और आ जाएंगे रे बाबा ओके सो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए इन्वाइट को निगेट जैसे आप अन अकेडमी लर्निंग एप इंस्टॉल करते हैं यू विटिंग टू बेनिफिट फर्स्ट बेनिफिट इज यू विल बी एबल टू अनलॉक यूर फ्री प्लान ये वट एवर द फ्री प्लान आर देर ऑन अन अकेडमी यू कैन अनलॉक दम फॉर एक्साम्पल अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेज फॉर एक्साम्पल अन अकेडमी कॉम्बैट कैन अन अकेडमी नेविगेट अन अकेडमी टेस्ट सीरीज अन अकेडमी क्विजिस देर आर सो मेनी फ्री प्रोडक्ट विच यू कैन अनलॉक फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग यू कैन सेंड द मैसेज डायरेक्टली टू मी यस आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपको किसी तरीके का भी कोई डाउट है कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे डायरेक्टली लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दीजिए मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा द मूवमेंट यू आर इंस्टॉलिंग द दिनैडमी लर्निंग ऐप ऐप विल बी आस्किंग यू द इनवाइट कोड किसने इनवाइट किया है रे बाबा आपको सो फॉर नेगी सोल्जर्स देर इज ओनली वन इनवाइट कोड व्हाट इज दैट व्हाट इज दैट

I uh, I hope you people are writing the Academy combat this Sunday, this upcoming Sunday on 15 uh, on 25th of May. We are going to conduct navigate. So I want each and every one to enroll for navigate. चलिए काफी काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपकी क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे तो बता देता हूँ बेटा मेरी क्लास के नोट्स मेरी क्लासेस के लिंक्स आपको मिलने वाले हैं नेगी टेन ने टेलीग्राम चैनल पर च इज ज्वाइंड बाई मोर देन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेगी सोल्जर्स यस अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो ऑलरेडी मोर देन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेगी सोल्जर्स ने ज्वाइन किया हुआ है एंड इफ यू वॉन्ट दैट वेन एवर आई एम टेकिंग द फ्री स्पेशल क्लास ऑन एन अकेडमी लर्निंग एप यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम एन अकेडमी देन यू कैन डू वन थिंग यू कैन सर्च माई नेम यू कैन सर्च माई नेम देवेंद्र सिंह नेगी And you can follow me. You will be getting the notification from Unacademy. Chalo. Enter the invite code to unlock your paper today. What is the invite code, Rebaba? What is the invite code, Rebaba? नेविगेट आई ऑलरेडी शेयर द लिंक इन माई निगेट एंड टेलीग्राम चैनल बेटा जिनको आइडिया नहीं है नेविगेट के बारे में मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर आपको मैसेज किया हुआ है मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है आप जाइए नेगेट टेलीग्राम चैनल पर वहां आपको लिंक मिल जाएगा बोलो रे बाबा एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक योर पेपर टे नेगेटन 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 अटेंडेंस लगा देंगे रे बाबा अटेंडेंस लगा देंगे रे बाबा लख्मी सी हाउ मेनी नेगी सोल्जर्स आर प्रेजेंट बेटा आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको स्ट्रेन रेट टेंसर का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं नवनीत नीतीश इज प्रेजेंट व्हाट अबाउट अदर्स व्हाट अबाउट अदर्स ज प्रजेंट वट अबाउट अदर्स गौरव इज प्रजेंट विशी इज प्रजेंट नवनीत इज प्रजेंट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड व्हाट अबाउट अदर्स रे बाबा इज प्रजेंट सुज प्रेजेंट नवीन इज प्रेजेंट गौरंग इज प्रजेंट साज प्रसेंट धीरज इज प्रेजेंट अनुन इज प्रेजेंट आसिफ इज प्रेजेंट धीरज इज प्रेजेंट सुदीप्ता इज प्रेजेंट विजय इज प्रेजेंट चलो रे बाबा चलो रे बाबा स्टार्ट करते हैं बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट्री मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे लास्ट क्लास में डेराइव करवाए थे बेटा बताना तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सलॉन डॉट एक्स वाई हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट डोवी बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डोवाई करेक्ट एप्सलॉन डॉट एक्स वाई वॉज वॉट डोवी बाई डो एक्स कैसे लिखते हैं मैंने बताया हुआ है बेटा आपको हाउ टू राइट आई हैव टोल्ड यू क्लियरली कैसे लिखना है आपको पता है एप्सलॉन डॉट एक्स वाई सो डो बाई डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई विद एक्स कम नॉर्मल डायरेक्शन दैट दैन वाई डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी दैट इज एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू राइट एप्सलॉन डॉट वाई जेड इट विल बी डो डब्ल्यू बाई डो वाई प्लस प्लस वट डो बी बाय डोजेड इफ आई वॉन्ट टू राइट एप्सलॉन डॉट जेड एक्स इट विल बी वॉट बेटा डो यू बाय डोजेड प्लस प्लस वॉट डो डब्ल्यू बाय डो एक्स करेक्ट करेक्ट आई होप यू आर एवल टू रिकलेक्ट आई होप यू आर एवल टू रिकलेक्ट दिथ फार्मूलाज सबको याद आ गया यह फॉर्मूलाज बेटा है ना और गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड आई हैव गिवन यू द फॉर्मूलाज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स आल्सो मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स के फार्मूलाज भी दिए थे है ना क्या था बेटा ओमेगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू व्हाट हियर आई वाज़ हैविंग हाफ डोवी बाय डो एक्स माइनस do u by do y what is omega y z what is omega y z half half what half what do w by do y minus what do v by do z and what was omega z x omega z x was half half do u by do z माइनस माइनस वट माइनस वट माइनस वट डो डब्ल्यू बाय डो एक्स बेटा वन ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एक चीज आपको बताता हूं बेटा आपको मजा आ जाएगा इफ आई टेल यू वन थिंग देखना जरा ध्यान से कितने लोगों को समझ में आ रहा है हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एप्सलॉन डॉट आई जे इज इक्वल टू एप्सलॉन डॉट जे आई वट एवर इज एप्सलॉन डॉट एक्स वाई सेम विल बी एप्सलॉन डॉट वाई एक्स अरे प्लस है ना प्लस है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता अरे प्लस है ना फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और यू राइट सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कोई फर्क ही नहीं पड़ता आर यू गेटिंग बट बट In angular velocity components, you are having negative, you are having negative, and because of this, what is going to happen? omega ij will be minus of omega ji. So, when you people are writing omega, you have to be very careful. जब आप ओमेगा लिख रहे हैं आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है बिकॉज देर यू आर हैविंग द माइनस साइन अगर माइनस वाला प्लस लिख दिया प्लस वाला माइनस लिख दिया खेल खत्म आर यू गेटिंग सो यू हैव टू वेरी केयरफुल तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है बच्चों को है ना कहां पर अच्छा लास्ट में तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है बच्चों को इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है बच्चों के लिए देखना बेटा देखना ध्यान से एक बहुत सिंपल ट्रिक है ध्यान से देखना x y z ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनना अगर आप ओमेगा जेड लिखना चाहते हैं इफ यू वांट टू राइट ओमेगा जेड that means you want to write omega xy if you want to write omega z if you want to write omega z that means you want to write omega xy half half x is coming first do by do x minus

ओमेगा वाई जेड यहां पर बिल्कुल गलती मत करना बेटा हाफ वाई जेड वाई जेड फर्स्ट वाई इज कमिंग डो बाय डो वाई माइनस डो बाय डो जेड है ना एंड हेयर आई विल बी हैविंग हैविंग आई आई विल बी इफ टू राइट ओमेगा वाई दैट मीन्स आई वॉन्ट टू राइट वट नॉट एक्स जेड you have to maintain the sequence that means i want to write what omega zx बात समझ में आ रही है यहां तक क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर है तो बताओ बात क्लियर हो गई आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हेयर फटाफट से कंफर्म करो बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हेयर यहां तक सब लोग क्लियर हैं फटाफट से कंफर्म कर दो फटाफट से कंफर्म कर दो है ना तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली दिस वॉज ओमेगा जेड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई चलो अब आगे चलते हैं बेटा कंडीशन फॉर जीरो रोटेशन कंडीशन फॉर जीरो रोटेशन लेट्स सपोज आई एम हैविंग टू डी फ्लो i'm taking the assumption let us suppose i'm taking the assumption let us suppose i'm having 2d in bracket xy plane steady flow but if i want to have zero rotation what is the meaning of zero rotation beta what is the meaning of zero rotation anyone in the class can tell me what is the meaning of zero rotation when i am saying zero rotation what is the meaning of zero rotation anyone in the class can tell me what is the meaning of zero rotation if i am having 2d flow that means i am talking about omega z that means i am talking about omega xy so the meaning of zero rotation is omega z or omega xy must be zero what is the meaning of this half do v by do x minus do u by do y must be equal to zero what is the meaning of this that means dou v by dou x minus dou u by dou y is equal to 0. If I am having this 100%, I will be having 0 rotation. Rotation will be 0. Better try to understand what is the meaning of this. Zero rotation ka matlab kya is cheech ko samajh Look at here my friends. Can you observe? This fluid line. PQ is undergoing some rate of change of angle. Similarly, fluid line PS is undergoing some rate of change of angle. Can you observe fluid line PQ is undergoing rate of change of angle in anti-clockwise direction? Whereas fluid line PS is undergoing rate of change of angle in clockwise direction. But agar. इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल और ये पीएस का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल दोनों इक्वल हो जाए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रोटेशन व्हाट विल बी द रोटेशन जीरो ना अरे जीरो ना इसने प्लस टू रोटेट किया उसने माइनस टू रोटेट कर दिया सो प्लस टू माइनस टू विल बी जीरो सो डोंट बी कंफ्यूज लुक एट हेयर लुक एट हेयर आई हैव गिवन यू टू कंडीशन स्पेसिफिकली वन वॉज Pure rotation. In pure rotation, what is going to happen? Both the fluid lines will be rotating equally. Both the fluid lines will be having the rate of change of angle in same direction. So that the angle between the fluid lines will not change. So in pure rotation, I was having dou v by dou x plus dou u by dou y is equal to 0. yada Yadharay? i have given you this in the last class for pure rotation for pure rotation what was the case for pure rotation what was the case do v by do x plus dou u by dou y is equal to 0 for a zero rotation for a zero rotation what is the condition dou v by dou x minus dou u by dou y is equal to 0 are you clear till here बोलो रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर है कन्फर्म करो बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यहां तक क्लियर है तो बताइए बेटा इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाउ लुक अट हेयर एंगुलर विटी इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स आपको मैं एंगुलर वेलॉसिटी के कंपोनेंट सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स में भी देना चाहता हूं प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली प्लीज ऑब्जर्व केयरफुल ध्यान तो सुनना बेटा इन कार्टिजन कॉर्डिनेट आई वॉज हैविंग एक्स हेयर आई एम हैविंग आर इन कार्टिजन कॉर्डिनेट आई वॉज हैविंग वाई हेयर आई एम हैविंग थीटा इन खार्टिजेंट कॉर्डिनेट आई वॉज हैविंग जेड हेयर इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिलेंड्रिकल पोलर कॉर्डिनेट आई एम हैविंग जेड इन खाटिजन कॉर्डिनेट आई वॉज हैड्रिकल कॉर्डिनेट आई एम हैविंग वी आर हेयर आई वॉज हैविंग ए स्मॉल वी हेयर आई एम हैविंग बी थीटर हेयर आई वॉज हैविंग ए स्मॉल डब्ल्यू हेयर आई एम हैविंग वी जेड कोशिश करते हैं लिखने की बेटा

सेम सेंस में जाना है आर थीटा जेड तो बेटा इफ आई वांट टू राइट इफ आई वांट टू राइट ओमेगा आर दैट मींस आई वांट टू राइट ओमेगा थीटा जेड हाफ हाफ व्हाट विल हैपन बेटा Dou by line element in theta direction na dou by r dou theta. You know na whenever we are writing the line element instead of theta we will be taking what r dou theta na instead of dou theta I will be taking r dou theta. Very good. Minus dou by dou z. What is the component of velocity in z direction? vz. What is the component of velocity in theta direction? v theta. I hope each and every everyone is clear till here now i want to write omega theta if i want to write omega theta that means i want to write what that means i want to write what omega zr correct half do by do z minus do by do r the component of velocity in radial direction do by do z na, do by do z minus do by do r now component of velocity in z direction bz now i want to write omega z if i want to write omega z that means i want to write omega r theta half now look at here डो बाय डो आर राइट माइनस डो बाय आर डो ठीटा राइट नाउ वट विल बी कमिंग हेयर यहां पर क्या आएगा ठीटा डायरेक्शनिटी वट आई विल बी गेटिंग हेयर आर डायरेक्शनिटी आई एम राइटिंग वी आर हेयर आई विल बी गेटिंग वी थीटा नाउ लिसन केयरफुली एक चीज का आप ध्यान रखना बेटा वेन एवर यू पीपल आर राइडिंग फॉर ओमेगा जेड वन एक्स्ट्रा थिंग विल कम इन टू द पिक्चर वन बाई आर एंड हेयर यू विल बी हैविंग डो बाई डो आर ऑफ आर वीटा आर यू क्लियर टिल हेयर यहां तक क्लियर बेटा यहां तक क्लियर है बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई फटाफट से कंफर्म करो फटाफट से कंफर्म करो फटाफट से कंफर्म करो अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख लेंगे ना आप लोग कैन यू राइट इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स कैन यू राइट इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट बाई यल्फ इन फ्यूचर अगर सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स में आपको कभी भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या फटाफट से बताओ एनी टाइम कैन यू राइट बेटा गौरांग वो डेरिवेशन में आता है फिलहाल मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं लिखना सिखा रहा हूं लिखते हैं जब तो यहां पर बाहर में वन बाय आर रहेगा अंदर में आर रहेगा कर लेंगे बेटा चलो ओ माय गॉड ओ माय गॉड नाउ केयरफुली नाउ केयरफुली आज ना ये सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आपका आपने देखा होगा कुछ बुक्स में एप्सलॉन डॉट एक्स वाई डोवी बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई है और कुछ बुक्स में एंड इन सम बुक्स एप्सलॉन डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ डोवी बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई है, है ना यहां uh, तक मुझे याद है इफ यू गो फॉर दॉक्स फॉक्स एंड मैकडोनल्ड दे आर यूजिंग दिस Frank M. White is using this. Hibbler is using this. Munson is using this, and Sengel. एंड सिम्बाला इज यूजिंग दिस के एल कुमार इज यूजिंग दिस तो आपको डाउट होना तो जायज है डेफिनेटली यूल बी हैविंग डाउट ना अगर इतने बड़े बड़े राइटर दो अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं अफकोर्स यू वि इन डाउट ना अफकोर्स यू वि इन डाउट ना तो बेटा सुन लो आज डाउट को करते हैं खत्म आप जब भी यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे एंड ऑफ़ कोर्स हेयर आई नीड टू एड एस के सोमल्सो सो दिस इज वी आर गोइंग टू यूज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज दिस इज वट वी आर गोइंग टू यूज बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है दिस इज वट वी आर गोइंग टू यूज आप दिमाग में ही आ रहा होगा ना सर फिर ये हाफ वाला कहा से आया सर फिर ये हाफ वाला कहां से आया नाउ यूल बी थिंकिंग ना वाई द हाफ वन इज कमिंग सुनो बेटा ध्यान से जरा इस मैट्रिक्स को देखना please observe this matrix carefully this is, this is your velocity gradient matrix do u by do x do v by do x do w by do x do u by do y do v by do y do w by do y do u by do z do v by do z do w by do z can i break this matrix into two parts क्या मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट टेल मी बेटा कैन आई डिवाइड दिस मैट्रिक्स इंटू टू पार्ट कैन आई डिवाइड दिस मैट्रिक्स इंटू टू पार्ट कंफर्म क्विकली कैन आई डिवाइड दिस मैट्रिक्स इंटू टू पार्ट कैन आई डिवाइड दिस मैट्रिक्स इंटू टू पार्ट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं dou u by dou x plus 0 will be giving you dou u by dou x half dou v by dou x half in bracket dou v by dou x plus dou u by dou y half in bracket dou v by dou x minus dou u by dou y dou u by dou y dou u by dou y will be getting cancelled half half will become 1 i will be getting dou v by dou x in this way if you observe 100% this matrix can be written as this matrix plus this matrix confirm me this part in your basic mathematics course of linear algebra you must have learnt any matrix can be divided into two matrices symmetric matrix and skew symmetric matrix fine but are you able to understand? This matrix is related to deformation. This matrix is related to deformation. And if you observe carefully, दिस मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू रोटेशन लुकअ हेयर वट एवर आए एम हैविंग इन दिस मैट्रिक्स आइदर आई एम हैविंग लीनियर स्ट्रेन रेट्स और सियर स्ट्रेन रेट्स हेयर इन दिस मैट्रिक्स वट एवर आई एम हैविंग दे आर आइदर लीनियर स्ट्रेन रेट और सियर स्ट्रेन रेट देख लो देख लो एक बार दिस इज वॉट एप्सलॉन डॉट एक्स एक्स दिस इज वॉट हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट एक्स वाई दिस इज वॉट हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट एक्स जेड वॉट इज दिस एप्सलॉन डॉट वाई एक्स ऑफकोर्स हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट वाई एक्स दिस इज वट एपलॉन डॉट वाई वाई दिस इज वॉट हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट वाई जेड वट इज दिस हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट जेड एक्स वट इज दिस हाफ ऑफ एप्सलॉन डॉट जेड वाई वट इज दिस एप्सलॉन डॉट जेड जेड कंफर्म करो बेटा ये सब टर्म्स आपको दिखाई दे रही है क्या फटाफट से कंफर्म करो ये सब टर्म्स आपको समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही है ना वट आर दिस टर्म्स ये तो जीरो है ये क्या है बेटा दिस इज योर ओमेगा एक्स वाई दिस इज वॉट दिस इज योर ओमेगा एक्स जेड दिस इज वॉट दिस इज योर ओमेगा वाई एक्स दिस इज वॉट This is your omega yz. This is what? This is your omega zx. This is what? This is your omega zy. So, 100 percent, 100 percent, I can divide this velocity gradient matrix into two matrices. Two matrices. One is related to deformation. वन इज रिलेटेड टू रोटेशन इन वन आई एम हैविंग स्ट्रेन रेट लीनियर स्ट्रेन रेट एंड सीयर स्ट्रेन रेट वेर एज इन अदर आई एम हैविंग एंगुलर बेलॉसिटी कंपोनेंट्स यहां तक सब लोग क्लियर हैं यहां तक सब लोग क्लियर है कंफर्म कर दो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कैन आई से दिस इज सेकेंड ऑर्डर स्ट्रेन रेट symmetric tensor can i say this is second order angular velocity is q सेमेट्रिक टेंसर। ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है आर यू गेटिंग

Can I say it is something like this? लोगों ने बोला यार लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं एक काम करते हैं लेट गामा डॉट आईजे इज इक्वल टू हाफ एप्सलॉन डॉट आई जे डैट मीन्स आई कैन राइट This strain rate tensor something like this Gamma dot xy, Gamma dot xz, Gamma dot yx, Epsilon dot yy, Gamma dot yz, Gamma dot zx, Gamma dot zy, Epsilon dot z. तो बेटा ये जो आपको और बुक्स में जो दिखाई देता है ना हाफ वाला एक्चुअली दे आर नॉट राइटिंग एप्सलॉन डॉट एक्स वाई एक्चुअली दे आर नॉट राइटिंग एप्सलॉन डॉट एक्स वाई दे आर राइटिंग गामा डॉट एक्स वाई एक्चुअली दे आर नॉट राइटिंग एप्सलॉन डॉट एक्स जेड they are writing gamma dot exactly. this is the reason why when they are giving the formulas they are giving half also now i hope you people are able to understand like in meribadhantha sunna sunna actual formula of shear strain rate is this in actual formula of shear strain rate there is no half it is the thing when i am writing in tensor form when i'm writing in tensor form then only half will come because what are we doing is we are we are breaking the velocity gradient matrix into two matrices where the first matrix which is symmetric matrix is my deformation matrix is my strain rate matrix i hope each and everyone is clear till here now 100% you must be very much interested इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर ये तो आप कर लोगे रे बाबा ये ये तो कोई अंधा भी बता देगा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर टू डी एक्स वाई प्लेन स्टडी फ्लो इफ एक्स वाई प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन देन राइट डाउन द स्ट्रेन रेट टंसर बेटा वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एनी इन द क्लास कैन टेल मी Any strength of materials, you must be aware of that now. What is the meaning of principal plane? Confirm me quickly. Type in chat box. What is the meaning of principal plane? Clear, clear, clear. What is the meaning of principal plane? सीयर स्ट्रेन रेट क्या होंगे इफ एक्स वाई प्लेन इज द प्रिंसिपल प्लेन देन इन एक्स वाई प्लेन सीयर स्ट्रेन रेट्स विल बी हाउ मच यस इन प्रिंसिपल प्लेन सीयर स्ट्रेन रेट्स सीयर स्ट्रेन रेट्स आर जीरो एंड इफ दे आर जीरो व्हाट विल बी द strain rate tensor for 2d flow look at here beta what is the meaning of shear strain rates are zero that means epsilon dot xy epsilon dot yx are zero and of course if they are zero gamma dot xy half terms will be zero gamma dot yx are zero so i will be getting epsilon dot xx zero जीरोन डॉट वाई वाई ओनली द नॉर्मल स्ट्रेन रेट विल बी प्रेजेंट आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर दिस इज देंसर इफ एक्स वाई प्लेन इज द प्रिंसिपल प्लेन वेरी गुड वेरी गुड बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हेयर फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा फटाफट फ़्ट से कंफर्म कर देंगे यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है ना लुक एट हेयर बेटा सी द ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस टेंसर एंड एंड वॉट स्ट्रेन रेट टेंसर लुक एट हेयर लुक एट हेयर स्ट्रेस टेंसर ये तो पढ़ा है ना बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सिग्मा एक्स एक्स

This is what. This is the identity matrix of three by three minus P into identity matrix of three by three plus two mu. Mu is what? Your coefficient of viscosity, or you can say dynamic viscosity. Dynamic viscosity. And beta, what is this? This is your strain rate tensor.

Can I say I'm getting minus p sigma xx is equal to what? Minus p plus two mu epsilon dot xx. I have given you the formula of. I have given you the formula of sigma yy. What is sigma yy? Minus p plus two mu epsilon dot yy. I have given you the formula of sigma yet yet. What is sigma zz? Minus p plus 2 mu epsilon dot zz. I have given you the formula of tau xy also. Anyone is able to recollect what was tau xy? Mu epsilon dot xy. Can you observe? I am getting the same formula. Look at here. Tau xy is equal to what? Look at here, but this part will be 0. Minus p into 0 will be 0. Na? This is 0 tau xy look at here 2 mu gamma dot xy and what is gamma dot xy half of epsilon dot xy so half and 2 will be getting cancelled I will be getting the same mu epsilon dot xy now you must be able to understand क्यों आ रहा है ये टेंसर फॉर्म में हाफ ताकि ये फॉर्म आपकी मेंटेन रहे ये जो रिलेशन है रीजन हाफ वाज कमिंग ओवर मैंने आपको बेलाउस से बताया वहां पर हाफ आता है और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये जो टेंसोरियल आपका है रिप्रेजेंटेशन वो मेंटेन रहे आर यू क्लियर मजा 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 मजा, 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 मजा। <laughs> यहां तक क्लियर है बेटा आई होप होपीड एवरी वन इज क्लियर टिल टिलेर बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा क्लियर टिल अब अब समझ में आया? अब समझ में में आया आ गई बात नाउ आई होप ईच एंड इज क्लियर क्यों कुछ लोग हाफ लगाते हैं संजल सिंबाला पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि इस इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हाफ लगाया गया है अरे झमाझम जम कॉन्सेप्ट है रे बाबा लेकिन एक बात गलत है आप लोग ना लिंक शेयर नहीं कर रहे हो बेटा एम नॉट हैप्पी with दिस बैच ये जो साथु, विजय शुभम गौरांग विसी का ये जो बैच है ना आई एम नॉट हैप्पी इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं लेकिन आप लोग ना इस चीज को आगे बढ़ा नहीं रहे हो बस अपने आप में रख रहे हो तो फिर क्या होता ना इंसान का मन भी नहीं करता फिर है ना तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं आपको हर किसी तक पहुंचाना है बेटा है ना ठीक है बढ़िया 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 आई होप एवरी वन इज क्लियर टिलर चलो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक वॉटिसिटी वैक्टर एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी वट इज वॉटिसक्टर बेटा वॉटिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना बेटा ध्यान से बेटा ये क्या है दिस इज ओमेगा ना एक्चुअली दिस इज लोअर केस ओमेगा। डोंट से दिस इज ओम इसलिए नाम बता रहा हूं दिस इज अपर केस ओमेगा ओके सो वेलोस्टी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस अपर केस ओमेगा बार यहां तक क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर है अब सुनना ध्यान से बेटा नाउ लिसन केयरफुली यू नो इफ यू गो टू द हिस्ट्री यूर फ्लूड मैकेनिक्स वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियंस अगर आप हिस्ट्री में जाओ आपकी फ्लूड मैकेनिक्स जो भी डेवलप्ड है इट वॉज डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियंस बहुत सारे मैथमेटिस इसलिए तो इतने सारे डेरिवेशन होते हैं इट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियंस हम लोग तो क्या कर रहे हैं उन रिलेशन को कुछ फिजिकल मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं वट आर वी ट्राइंग टू गिव मीनिंग टू history इट fluid ऑफ it was more मोर less लेस डेवलप्ड मैथमेटिकल वे ओनली लोगों ने क्या किया लोगों ने टर्म डिफाइन करी वोटिसिटी वेक्टर, है ना उस वोटिसिटी वेक्टर को उन्होंने क्या बोला That vorticity vector विल बी Curl of और ऐसे रिलेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा कुछ, कुछ मिल जाए है ना तो कोई यह जरूरी नहीं है आप देखोगे तो वहां पर भी काफी मैथमेटिक्स यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवरा में वहां पर भी काफी मैथमेटिक्स होती है तो जब उन्होंने डिफाइन किया था तो उन्होंने सिमिट्री को बनाने के लिए फ्लूड मैकेनिक्स में भी एक टर्म डिफाइन कर दिया इज इज केवल मैथमेटिक्स है नो फिजिकल मीन उसका कोई बहुत ज्यादा फिजिकल मतलब है नहीं नाउ लिसन केयरफुली दिस इज बेसिकली द रिलेशन विच इज गिवन बाय द मैथमेटिशियंस लेकिन हम लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व की थी बेटा इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था

from equation from equation a and equation b can i say angular velocity vector is half of vorticity vector or can i say basically vorticity vector is

फॉर एग्जाम्पल आपको अगर चीज समझ में आई हो तो मैं बताना चाहूंगा लड सपोज आई एम हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एज फाइव आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस सेवन के कैप सो एनी वन इन क्लास वट विल बी द दॉटी वेक्टर बेटा देन अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये है वॉट विल बी द दॉटी वेक्टर हेलो बेटा वट विडी वैक्टर फटाफट से बताओ अगर यह एंगुलर ब्लॉसिटी है तो वोटिस कंफर्म फट करो बेटा दो से मल्टीप्लाई कर दो ना बोटिसिटी वैक्टर इज द टू टाइम ऑफ एंगुलर ब्लॉसिडी वैक्टर सो कैन से बोटिसिटी वैक्टर विल बी वॉट टेन आई खैप प्लस ट्वेल्व जे खैप प्लस फोर्टीन के कैप ये फटाफट से कंफर्म करो ये बात समझ में आ रही है है ना मैंने बोला तो गोरांग मैथमेटिकली डेवलप हुआ था ना मैथमेटिकली डेवलप हुआ था अब सुनना बेटा ध्यान से कैन आई राइट फैक्टर टू अपर केस एक्स आई खैप अपर केस ओमेगा वाई जे कैप प्लस अपर केस ओमेगा जेड के कैप बेटा कैन यू टेल मी वॉट विल बी अपर केस ओमेगा एक्स दैट मीन्स अपर केस ओमेगा वाई जेड दैट मीन्स वेटा ना इसे डो डब्ल्यू बाई डो वाई माइनस वट डो बी बाय डो जेड अरे जो भी ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स था ओमेगा वाई जेड था उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो वो हाफ चला जाएगा अपर केस ओमेगा वाई विल बी वट वाई जेड एक्स डो यू बाय डो जेड माइनस माइनस व्हाट डो डब्ल्यू बाय डो एक्स अपर केस उमेगा जेड इज इक्वल टू व्हाट अपर केस उमेगा एक्स वाई डोबी बाय डो एक्स माइनस डो यू बाय डो वाई बेटा इसमें किसी को डाउट है anyone having any doubt with this please confirm me this part anyone having any doubt with this फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आज आपको टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन ब्यूटीफुल कांसेप्ट अगर यहां तक क्लियर है फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में इफ यू आर क्लियर टिल हियर देन क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड आपको बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन चीजें बतानी हैं बेटा जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है चले आगे चले आगे नाउ लिसन केयरफुली कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज नोन एज वोटिस वेक्टर फर्स्ट पॉइंट इंट वोटिसिटी वैक्टर इज द ट्वाइस ऑफ द एंगुलर वोसिटी वैक्टर ऑफ दार्टिकल यहां तक आप लोग क्लियर है बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हियर नाउ लिसन केयरफुली बिल्कुल ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना लटस सपोज आई एम हैविंग अ फ्लैट प्लेट लटस सपोज आई एम हैविंग अ फ्लैट प्लेट Let us suppose I am having a flat plate. And let me say some fluid is approaching the flat plate. Let us suppose I am having the flat plate. Some fluid is approaching the flat plate. Of course, I will be having the formation of del x curve. आपने बाउंड्री लेयर थ्योरी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे एंड दिस इज योर बाउंड्री लेयर एंड दिस इज योर आउटर फ्लोरिजन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बाउंड्री लेयर एंड आउटर फ्लोरिजन एनी वन इन द क्लास बेटा व्हाट इज द मेन डिफरेंस व्हाट इज द मेन डिफरेंस वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस बाउंड्री लेयर एंड आउटर फ्लोरिजन In boundary layer, you will be having jama jump velocity gradients. Yes, here the velocity will be varying. Here the velocity will be varying. But the moment you are entering the outer flow region. Yes, outer flow region may enter karenge, There will be no velocity variation. What is the meaning? The meaning is. In inner flow region, which is your boundary layer, look at here. but in boundary layer, your du by dy will be non zero. Whereas in outer flow region, in outer flow region, du by dy will be zero. the moment du by dy is zero, 100 percent viscous forces will be zero. So, but can I say, can I say? जो रोटेशनलिटी आती है वट द रोटेशनलिटी आई विल बी हैविंग इन द फ्लूड फ्लो दैट विल बी बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्सेस ओनली सो ऑफकोर्स हेयर आर नॉन जीरो हेयर योर विस्कस फोर्सेस आर जीरो कैन आई से विद 100 परसेंट कॉन्फिडेंस हेयर द फ्लो इज इन फ्लो इन आउटर फ्लो रीजन Since my viscous forces are zero, I'm having irrotational flow. Whereas in this boundary layer I'm having the viscous forces, so I will be having the rotational flow. Rotational flow. Now listen carefully. The moment I'm saying I'm having the irrotational flow, that means angular velocity vector will be null vector, and if angular velocity vector is null vector.

वॉटिसक्टर इज नल वैक्टर बेटा क्या मैं बोल सकता हूं फॉर इर रोटेशनल फ्लो विल बी नल वॉटिसक्टर ना लिसन केयरफुली बेटा इफ यू सी अपर केस ओमेगा इज इक्वल टू वट अपर केस ओमेगा एक्स आई कैप अपर केस ओमेगा वाई जे कैप प्लस अपर केस ओमेगा जेड के कैप सपोज आई एम हैविंग 2d फ्लो फॉर अ फ्लो सुनना ध्यान से फॉर 2d फ्लो फॉर 2d लेट मी से इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लेन फॉर 2d इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लेन फ्लो बेटा लिसन केयरफुली लिसन केयरफुली आउट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स, ओनली अ सिंगल कंपोनेंट विल बी एक्सिस्टिंग कैन यू टेल मी अगर मेरे पास टू डी फ्लो हो रहा है इफ आई एम है टू डी फ्लो आउट ऑफ दीज थ्री विच कंपोनेंट विल बी एग्जिस्टिंग जल्दी से टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करोटे टाइपिंग चैट बॉक्स आउट ऑफ दीज थ्री ओनली वन कंपोनेंट विल बी एग्जिस्टिंग विच वन अरे लुक एट हेयर रहे ना बाबा

ओनली अपर केस ओमेगा जेड डेट means अपर केस ओमेगा एक्स वाइस अब बेटा ध्यान से सुनना अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूं कि आखिर ये बॉडीसिटी बताती क्या है तो बेटा ये बताती है कि व्हाट इज द रोटेशन वट इज द रोटेशन ऑफ द फ्लूड पार्टिकल अगर किसी फ्लो फील्ड में कोई फ्लूड पार्टिकल है तो उसका रोटेशन कितना होगा यह बताती है अगर कोई फ्लो फील्ड है उस फ्लो फील्ड की रोटेशनलिटी कितनी होगी सो लिसन केयरफुली इट इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द फ्लूड पार्टिकल और यू कैन से रोटेशनलिटी ऑफ द फ्लो फील्ड ओके यस चलो अब ध्यान से देखना बेटा से देखना पहला पॉइंट और इोटेशनल फ्लो वोटिसिटी वैक्टर इज वेक्टर आई होप एवरी बताया था आपको वेन आई एम हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर द प्लेट इन द आउटर फ्लो रीजन वे द वेलोसिटी ग्रेडिएंट्स आर जीरो आर जीरो देयर आई एम हैविंग द इोटेशनल फ्लो एंड दोटिसिटी वेक्टर देअर इज जीरो सेकेंड For 2D in bracket xy plane flow, only upper case omega z will exist. Yes, 100%, 100%. अगर मेरे पास 2D flow हो रहा है, तो upper case omega z ही केवल exist करने वाला है. Next, vorticity is a measure of rotation of fluid particle or rotationalities in the flow field. ये बताता है कि fluid particle कितना rotate करेगा, है ना? ठीक है यहां तक क्लियर है बेटा आई होप ईच एंड एवरी वन एस क्लियर टिल फटाफट से टाइप कर देंगे रे चैट बॉक्स में कमऑन एवरी वन कमऑन एवरी वन टाइप इन बॉक्स अब मैं जो आपको देने वाला हूं बेटा मजा आ जाएगा अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको मजा आ जाएगा अगर आप लोग रेडी हैं तो बताओ है ना आगे चले चलो नाउ लिसन केयरफुली बेटा यू आर अवेयर ऑफ द वोटेक्स मोशन ना आपको वॉटेक्स जब किसी कर् पाथ में मोशन होता इट विल बी कॉल्ड फ्री वॉटेक्स तो बेटा दो तरीके के वॉटेक्स मोशन होते हैं द फर्स्ट वन इज अ फोर्थ वोटेक्स मोशन द सेकेंड वन इज अ फ्री वॉटेक्स मोशन सर फोर्स वोटेक्स का थोड़ा फील दे दो बेटा आप एक कंटेनर ले लो टेक वन कंटेनर चंपा यू टेक वन कंटेनर रे बाबा यू टेक वन कंटेनर रे बाबा चंपा चंपो यू टेक वन कंटेनर चंपा रे बाबा छंपो रे बाबा छंपो यू टेक वन कंटेनर लख्मी से दिस कंटेनर इज अ फिल्ड विद लिक्विड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड मान लीजिए ये जो कंटेनर है ये किसी लिक्विड से फिल्ड है कुछ ओ हो 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 लुक लुक लुकटेयर लुक लुकटेयर रे बाबा दिस कंटेनर इज फिल्ड विद सम लिक्विड ओ माय गॉड लेट अस सपोज आई एम हैविंग सम सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद सम लिक्विड नाउ लिसन केयरफुली अस सपोज I started rotating this cylindrical container with constant angular velocity omega. Oh my God! Oh my God! Let us suppose I started rotating. I started rotating this cylindrical container with some angular velocity omega. What is going to happen, with What will happen? What will happen? चंपा व्हाट विल हैपन रे बाबा बोलो रे बाबा चंपा क्या होने वाला है बेटा यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट नाउ यू विल बी हैविंग द लेयर्स मे बी समथिंग लाइक दिस यू विल बी हैविंग द लेयर्स मे बी समथिंग लाइक दिस करेक्ट ना करेक्ट ना बेटा करेक्ट ना बेटा यस यस नाउ योर लिक्विड एज अ होल विल बी हैविंग द सर्कुलर मोशन दिस इज कॉल्ड फोर्स वॉटेक्स दिस इज कॉल्ड फोर्स वोटेक्स है ना यहां तक कुछ क्लियर है यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा यहां तक सब लोग क्लियर है कंफर्म कर दो यहां तक सब लोग क्लियर हैं है ना पता चल गया व्हाट इज़ द फोर्स वॉटेक्स इतना तो आइडिया पता चल गया होगा इतना तो आइडिया लग गया अब देखना फोर्स वॉटेक्स में आपकी स्ट्रीम लाइन कैसी दिखाई देंगी देखना बेटा मी से दिस इज योर एक्स डायरेक्शन मी से दिस इज योर वाई डायरेक्शन So can you see in force vortex you will be having the circular streamlines streamlines? In force vortex, you will be having the circular streamlines. है ना देखो ब्यूटिफुल सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स ब्यूटिफुल सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स करेक्ट अब सुनना दे बेटा ध्यान से है ना एक बात सुनना फॉर फोर्थ वॉटेक्ट प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली फॉर फोर्स बॉटेक्स फॉर फोर्स बॉटेक्स वी थीटा सर्कम फ्रेंसिल बेलॉसिटी टेंजेंसिल बेलॉसिटी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा एंड वी आर वी आर विल बी जीरो अफकोर्स रेडियल बेलॉसिटी विल बी जीरो पहले रेडियल लिख दू ना पहले हम लोग वी आर लिखते हुए तो वी आर रेडियल बेलॉसिटी विल बी जीरो एंड टेंजेंशियल वेलॉसिटी वी थीटा विल बी आर ओमेगा यहां तक क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर है क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग हम लोग निकालना चाह रहे हैं वी आर ट्राइंग टू फाइंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड वट विल बी दोटिसिटी फॉर फोर्स वोटेक्स ये जो फोर्स वोटेक्स मोशन है इसके लिए वोटिसिटी कितनी होगी यार मुझे यह बताओ अगर मोशन आपका सरकमफ्रेंसियल है इफ वी आर इज जीरो वी थीटा इज जीरो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड अपर केस ओमेगा जेड एनी इंटेलिजेंट ध्यान से सुनना एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी वट विल बी द फार्मूला ऑफ वट विल बी द फार्मूला ध्यान से देखना बेटा X. X एक्स एक्सा यहां तो आर ठीटा जरा ना आर ठीटा जेड वट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अपर केस ओमेगा जेड अपर केस ओमेगा जेड विल बी वट बीटा ध्यान से देखना वन बाय आर करेक्ट डो बाय डो आर आर बी ठीटा माइनस डो बाय आर डो ठीटा वी आर कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई बेटा हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन कितने लोगों को ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है अरे मैंने लिखा था ना अरे चंपू आई हैव रिटन फॉर ओमेगा जेड ना ओमेगा जेड का हाफ हटा दिया रे बाबा दैट्स व्हाट आई हैव डन अरे चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपू दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट थीटा ना so, दो दो आर थीटा सो डो बाय डो आर डो बाय आर डो थीटा v theta v r I told you वन by r will be coming outside r will be coming inside I hope आई यहां तक क्लियर है ना मैंने बताया था लिखना है चलो अब देखो अपर केस ओमेगा z इज इक्वल टू वट वन बाय आर डो बाय डो r

Here what is going to happen? Omega is constant now, it will be coming out. So omega by r dou by dou r of r square. What will be the partial differentiation? What will be the partial differentiation of r square with respect to r? 2r na, Two r, na? आर आर इज गेटिंग स्वाहा आर आर इज गेटिंग स्वाहा डेट मीन्स वॉट डेट मीन वॉट अरे यही तो बताया था दिस इज वॉट आई हैव टोल्ड यू वॉर्टिस बी वॉट ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी वैक्टर अरे दैट यही तो मैंने बताया था

यहां तक सब लोग क्लियर हैं यस, yes, यही तो यह क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा बेट नाउ लुक एट हेयर नाउ लुक एट हेयर कोई नहीं बताएगा बेटा था डिटेल में इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको सुनना भी ध्यान से इसका मतलब क्या हो गया वोटिसिटी नॉन जीरो है दैट मीनस वोटिसिटी इज नॉन जीरो इफ द इज नॉन जीरो दैट वॉट फ्लो इज रोटेशनल अगर वोटिसिटी नॉन जीरो है फ्लो आपका रोटेशनल है और अगर फ्लो रोटेशनल है तो क्या होगा ध्यान से देखना लुक एट हेयर दीज आर द ब्यूटिफुल सर्कुलर स्ट्रीमलाइन देखो आपको बढ़िया से दिखाता हूं बेटा मजा आ जाएगा बढ़िया से दिखाता हूँ What is your observation? If the flow is rotational, look at here. Yes, fluid particle is moving like this. Fluid particle is moving like this. Streamlines are circular. Likin uske kya Fluid particle is moving in circular path, and along with it, it is rotating about its own center of mass. देखो रे बाबा आर यू गेटिंग वॉट आई एम सिंग यहां तक क्लियर है आर यू क्लियर बोलो रे बाबा यस 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 इन रोटेशनल फ्लू और रोटेशनल फ्लो रोटेशनल फ्लो हेयर यार द फ्लू पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट इट ओन सेंटर ऑफ मास यानी कि जरा एक चीज बताना बेटा कोई अगर आपसे पूछ ले रोटेशनल फ्लो और रोटेशनल फ्लो फोर्स वोटेक्स इज रोटेशनल फ्लो व्हाट इज द वोट टू टाइम्स ऑफ ओमेगा यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है चलो अभी आगे चले फ्री वॉटेक्स की बात कर ले बेटा फ्री वॉटेक्स की बात कर ले मुझे फ्री वॉटेक्स का मुझे फ्री वॉटेक्स का एग्जाम्पल दो अरे फ्री वॉटेक्स में भी सर्कुलर पाथ में ही फ्लो होता है ना बट ऑटोमेटिकली एक एग्जाम्पल दे दो एनी वन इन द क्लास कैन गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ प्री वोटेक्स एनी वन इन द क्लास कैन गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ प्री वोटेक्स आपके किचन के सिंक में इन योर किचन सिंक नीचे का बाल बंद कर दो सिंक को पूरा भर दो खोलोगे खटाक से जो फ्लो होगा दैट इज योर प्री वोटेक्स फ्लो बात तब बाथ टब उसमें जो फ्लो होता है डेट इज योर फ्री वॉटेक्स फ्लो यहां पर भी सर्कुलर स्ट्रीम होती है हेयर ऑल्सो यूल बी हैविंग द सर्कुलर स्ट्रीम ठीक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कहां पे देखेगा किचन सिंक में देख लीजिए किचन सिंक में देख लीजिए बाथ टब में देख लीजिए आपको दिख जाएगा हेयर ऑल्सो हेयर ऑल्सो यूल हैविंग सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स इन फ्री वॉटेक्स आल्सो इन फ्री वॉटेक्स ऑल्सो यू विल बी हैविंग सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स यहां पर भी आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी वो सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स होंगी उसके तो कोई डाउट ही नहीं है देर इज नो डाउट अब ध्यान से देखना बेटा आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं देखो यहां पर मैं आपको चाहता तो एक वेलोसिटी प्रोफाइल भी दिखा सकता था हाउ द वेलोसिटी इज वेरिंग देखना बेटा ध्यान से देखना जरा ध्यान से लेट सपोज I am trying to draw for forced vortex. This is the radial distance. Here I am having B theta. Amne dekhada beta? For forced vortex. V theta was r omega or omega r, whatever you want to write. So, how the V theta is varying with r? Linearly. And if the V theta is varying linearly with r, you will be having something like this. When r is 0, V theta is 0. And as r is increasing, बीट इज इंक्रीजिंग है ना यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से कंफर्म करो प्लीज कंफर्म मी दिस पार्ट, यहां तक क्लियर है ना ठीक है आगे चले चंदन देखो क्या है यहां पर वी थीटाइज इक्वल टू आर ओमेगा ना इफ वी थीटाइज इक्वल टू आर ओमेगा ओमेगा इज कॉन्स्टेंट ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है बेटा ओमेगा इज कॉन्स्टेंट एंड इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट कैन आई से वी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सो इट विल बी वेरिंग लीनियरली ना

फ्री वॉटेक्स फॉर फ्री वॉटेक्स ध्यान से देखना बेटा यहां पर भी आपका वी आर जीरो होगा बट वॉट इज गोइंग टू हैपन हेयर द वी थीटा विल बी सी बाय आर सी सम कॉन्स्टेंट सी सम कॉन्स्टेंट ओ माई गॉड आर यू एबल टू अंडरस्टैंडर यहां पर क्या हो रहा है इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू आर बेटा दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फोर्स वॉटेक्स एंड फ्री वॉटेक्स इन योर फोर्स वॉटेक्स वी थीटा वॉज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू आर बट इन योर फ्री वॉटेक्स वी ठीटा इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू आर इसका एक बार बना के दिखाओ आपको कैसा दिखेगा मजा आ जाएगा बेटा लुक एट हेयर लेट अस सपोज हेयर आई एम कीपिंग वी थीटा हेयर आई एम कीपिंग आर ओ माय गॉड सुनना ध्यान से इफ आर इज जीरो इफ रेडियल डिस्टेंस इज जीरो आई विल बी हेयर ना If r is 0, I will be here at origin. Oh my god, what is your observation? If r is a 0, v theta will be how much? R is c by r na. At r is equal to 0, look at here beta. At r is equal to 0, v theta will be how much? Oh my god, it tends to infinite na. It tends to infinite na. इट टेंस टू इंफानाइट ना ओ माय गॉड बी थीटा हो सकता है क्या इंपॉसिबल है दैट मींस लिसन केयरफुली इन फ्री वॉट मोशन इन फ्री वॉट मोशन ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी

लेट मी ट्राई टू ड्रॉ फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मान लीजिए यहां से कहीं से बनाऊंगा है ना क्योंकि ओरिजिन के नियर बाय तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होंगी यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं एंड ऑफ कोर्स एज यू नो आई विल बी हैविंग सम रेक्टेंगुलर है ना बेटा कलर कॉम्बिनेशन मैच रखना अरे बाबा i will be having what rectangular hyperbola and here it was varying linearly yes i वॉटेक्स मोशन में पढ़ाया हुआ है कि ये डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू आर क्यों होता है फोर्स वॉटेक्स में इन फ्री वॉटेक्स वाई इनवर्सली प्रपोर्सनल टू आर आई हैव गिवन यू इन फोर्स वॉटेक्स फ्लो जो मैंने पढ़ाया एक बार मेरी क्लास देख लेना स्पेशल क्लास ली हुई है मैंने है ना चलो अब एम क्या था एम क्या था बेटा वट इज द एम वट इज द एम बेटा एम क्या है हमारा एम है वोटिसिटी निकालना ना वी वॉन्ट टू फाइंड द वोटिसिटी ऑफ फ्री वोटेक्स वी वॉन्ट टू फाइंड द वोटिसिटी ऑफ फ्री वॉटेक्स निकालते हैं बेटा वट विल बी द फार्मूला ऑफ अपर केस ओमेगा जेड वन बाय आर डो बाय डो आर आर बी थीटा माइनस डो बाय वैल्यूज बेटर अपर केस ओमेगा जेड इज इक्वल टू वन बाई आर डो बो आर आर बी थीटा इज हाउ मच सी बाई आर माइनस डो बाई आर डोटा ऑफ जीरो अरे चंपो विल वैल्यू रे बाबा विल बी दिस वैल्यू रे बाबा Sunya. something is getting swaha, something is getting swaha, any intelligent student of the class can tell me what is getting swaha, what is getting swaha, bolo re baba, bolo re baba, what is getting swaha, R, R is getting swaha, oh my god, uppercase omega z is equal to 1 by R. Do by Do R of constancy. Any intelligent student of the class can tell me, Do by Do R of constancy will be equal to what? It will be equal to what? Bolo re baba. Typing chat box. This will be sunya. Oh ho ho. Oh ho ho. Upper case Omega Z is equal to zero. वट इज सिटी अबाउट जेड डायरेक्शन इज कमिंग शून्य वट इज बाकी के दोनों की तो दो बात ही नहीं हो रही है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे एंड अगर अपर केस उमेगा जेड शून्य आ गया वट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्लो इज रोटेशनल फ्लो और इोटेशनल फ्लो फ्लो इज रोटेशनल फ्लो और इोटेशनल फ्लो फ्लो इज अ रोटेशनल फ्लो और इ रोटेशनल फ्लो फ्री बॉक्स इज वॉट रोटेशनल फ्लो हो हो ओह माय गॉड ओह माय गॉड क्या ही तो बात है रे बाबा हा हा कहने का मतलब है द मीनिंग इज द मीनिंग इज फोर्स वॉटेक्स फ्लो फोर्स वॉटेक्स वॉज अ रोटेशनल फ्लो वहां पर भी सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स थी यहां पर भी सर्कुलर स्ट्रीम लाइन्स है बट नाउ द फ्लो इज इन रोटेशनल फ्लो तो याद रखना हर सर्कुलर फ्लो रोटेशनल फ्लो नहीं होता

मेरा चंपा सीधा प्लूड पार्टिकल रे बाबा सीधा प्लूड पार्टिकल रे बाबा सीधा प्लूड पार्टिकल रे बाबा इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ओह माय गॉड अरे आंखें आंखें तो टॉप में थी

चलो 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 बोलो रे बाबा वो आपको समझ में नहीं आएगा सातो उसके लिए क्लास देखो वो मेरा यहां पे एम नहीं है बताना ये ये कहां से आ रहा है ये मैंने पढ़ाया हुआ है जाके मेरी क्लास है? देखो बेटा ऑलरेडी मैंने डेराइव किया हुआ है प्री वॉटेक्स के लिए ये क्यों है फोर्स वॉटेक्स के लिए ये क्यों है पूरा डराइव किया हुआ मैंने जाके देखो क्लास है ठीक है अरे बोलो रे पापा ये दिल के सिंबल ही नहीं बनाते हो आप लोग इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको वॉटिसिटी तो मजा आ जाना चाहिए यार इतने में तो इतने में तो मजा आ जाता है ये तो पहली बार कोई पढ़ा रहा होगा जल्दी से बताओ हार्ट के सिंबल बन जाने रहे हैं पापा यहां तो हार्ट के सिंबल बन जाने चाहिए अभी तक तो क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा ये हुई ना बात ओ, हो 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 चलो बेटा आज मैं अब आग आगे क्लास नहीं लूंगा इसको यही स्टॉप करते हैं क्योंकि मेरे को ना सर्कुलेशन पढ़ाना है वो कल पढ़ाऊंगा सर्कुलेशन करवाऊंगा कल ठीक है ये सब कल करवाएंगे अरे वाह कल तो मजेदार चीजें आने वाली हैं तो बेटा ये है ज्ञान गंगा दिस इज ज्ञान गंगा बेटा हु एवर कैन नॉट अफोर्ड द पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन बेटा दिस ज्ञान गंगा इज फॉर यू वट एवर द फ्री क्लासेज आई हैव टेकन Maybe on YouTube, maybe on free special class, everything I have arranged in a systematic way in this Gyan Ganga. Thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, fluid mechanics, ATD, previous gate XE paper, solution special sessions. What is XE? What are the scopes of XE? How to prepare for gate in 6 months, 8 months? Everything I have done here. You can open and you will come to know. उ दिन गंगा विल ऑन फ्लू मैकेस्ट कॉलम द नेम ऑफ द चैप्टर सेकेंड कॉलमी है नंबर ऑफ द लेक्चर थर्ड कॉलम टॉपिक नेम फोर्थ कॉलमी है क्लास लिंक वीडियो क्लास लिंक फिफ्थ कॉलमी है पी डी एफ लिंक बेटा हिट करो लाइक का बटन ये लाइक करेंगे और जितने भी लोग इस वीडियो को फ्यूचर में देखने वाले हैं बेटा आप कमेंट जरूर करेंगे आपको कैसी लगी क्लास है ना सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो रे बाबा देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट आर आस्किंग मी सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंडेडमी प्लस बेटा यूट्यूब और अन अकेडमी प्लस का सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरी पर्सनल गाइडेंस द मोमेंट यू आर ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस यूजिंग द रफल कोड नेगी नेगीटेन यू विल बी गेटिंग माई पर्सनल गाइडेंस जैसे आप नेगी नेगीटेन लगाते हैं आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है बात समझ में आ रही है यू विल बी गेटिंग माई पर्सनल गाइडेंस यू विल बी गेटिंग द क्लास रूम इन्वॉनमेंट कॉम्पिटेटिव बी गेटिंग द सीरियस टीचिंग एंड सीरियस लर्निंग ये बैच स्टार्ट हुआ था फिफ्थ ऑफ मे से एंड नाउ न्यू बैच वी आर स्टार्टिंग सर कब से स्टार्ट हो रहा है ये नया बैच फ्रॉम नाइनटीन ऑफ मे विच इज वेडनस डे we are starting this batch we are starting with the strength of materials morning 8:30 am to 10:30 pm you will be having the 10:30 uh, am you will be having the class of strength of materials and then along with it you can start parallelly thermodynamics which i am taking 8:30 pm to 11 pm

I will be giving you the link in Negitan Telegram channel. But at the moment you are joining an Academy Plus using the raffle code Negitan, you will be getting my personal guidance. You will be getting the live classes by top educators. In case you are missing the live classes, you will be able to watch recorded sessions. You will be getting the daily practice problems. You will be getting the practice seats Now. The moment you are using Negitan for joining an Academy Plus, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. Topko bilkul bhi Chinta Nahi Karni hai. You will be having the weekly quizzes, you will be getting the detailed solutions of the weekly quizzes. The moment your syllabus is over, you will be getting the crash course, you will be getting the rank improvement batches, and of course, those who are my Negi soldiers from the southern part of the country, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Kerala, Odisha, they need not to worry. You will be having the batches in English language also. So, you don't worry. I am located in southern part of the country, Zag, I will take care of you. You will be having the batches in English language also. Okay. Now, if you are financially well settled, then I will be advising you to join an academy iconic using the same ruffle code Negi 10. The moment you are joining an Academy Iconic, whatever the features are there on an Academy Plus, you will be getting those features. Other than that, you will be getting few extra features also. Like you will be getting the personal guide. This personal guide is going to mentor you right from the beginning till the end. This personal guide, this personal coach is going to mentor you one to one. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner. This personal coach will make sure you are getting the personalized test analysis this personal coach will make sure you are getting the study booster sessions from an academy like how to increase the efficiency of learning how to excel in the art of writing the exam but this is the fee structure this is the fee structure the moment Negi soldiers are planning to join an Academy Plus using the raffle code Negi 10, they will be getting the maximum discount on subscription fee. Their subscription fee will be getting reduced. For 12 months, for 12 months, their subscription fee will be getting reduced to 27,225 rupees. For 18 months, it will be reduced to 34,650 rupees. And for 24 months, it will be reduced to 39,600 rupees. And the best part is if Negi soldiers want, they can pay in no cost EMI also. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Sir, what is the meaning of no cost EMI? Suppose Negi soldier is planning to join for 24 months. After applying the raffle code Negi 10, the subscription fee for 24 months is 39,600. So, 39,600 divided by 24. So literally it will be 1650 rupees per month. If you see in more detail, it will be 55 rupees per day. But you need to pay this much only. Sir, how can I pay in no cost EMI? But if you are having the credit card of any bank, if you are having the debit card of SDFC bank. If you are having the Bajaj Finserv card, then you can pay no-cost EMI. Sir, I'm having nothing out of them. Then beta, you do one thing, you go to Negi 10 Telegram channel. You go to Negi 10 Telegram channel. You take my WhatsApp details. You take my WhatsApp number and you WhatsApp me. I will be telling you how can you avail the no cost EMI if you are not having these three. You can message me on Unacademy Learning app also. Why to use Negitan? Because Negitan is not just the code, it's an emotion which is connecting me to you people, sir to Negi soldier Jama Jam classes to Jama Jam learning. Re, Baba. The moment you are using Negitan, you will be using the ruffle code of Mechanical Head Unacademy brands. ट्रस्ट ऑफ सो मैनी ऑन एन अकेडमी प्लस आई विल मेक यू आर गेटिंग कस्टमाइज बैच वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू की आपको कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ना है कब पढ़ना है कहां पढ़ना है तो आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है द मूमेंट यू आर यूजिंग नेगेटेन आई विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन आई वॉज द फर्स्ट रैंक वन मैकेनिकल एडुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लस So I'm the top mechanical educator on an Academy Plus, hamesa courses It will never stop. So it will keep on coming, keep on keep coming, keep on. I started with fluid mechanics, then I completed heat transfer. Now I'm conducting thermodynamics. I'm having the record of highest knowledge, head dedications on an Academy Plus. ME Plus X C means negative ten, negative ten, negative ten. This is my channel, beta An Academy Gate ME XC YouTube channel, and this is my team. तो म एम लीडिंग बेहतरीन टीम है ब्यूटीफुल टीम है आप लोग क्लास अटेंड कर ही रहे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच If you to appear for GATE, navigate by an Academy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. you aspire to appear for gate navigate by anacademy is just for you it is the largest and the most competitive scholarship test for gate aspirants To appear for GATE, Navigate by Anacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Anacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants.